भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखी तो निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैन भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम ने इस फिल्म के रिलीज होने जुलाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश तो परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रीथा श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोंग नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्या ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीम सी के और उसके गायक हैं शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड पुदीपेडी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू तो, अधो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डोन सेंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कौंग सतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सिम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन् 2019 है इसका कार्यकारी समय 165 मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चौपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि साहक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोली होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो अठारह को अपने ट्वीट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीएम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीएम सी के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद बेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड बुधीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू अधो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कौंग सतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन् 2019 है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोख परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को दोरा टुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों नेनशी की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपैंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेताओं के, के विषय में जीवा एनएस किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक ना विंकेट के रूप में मदन कुमार साधिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रिता श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोली होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कौम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतव्य है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो अठारह को अपने ट्वीट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के, के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सी एम के और उसके गायक हैं शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद ने इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिम्पसोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की पूर्वैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज़ की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड mm -hmm. पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमकी टू तो, अधो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखी तो निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैन भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबिन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख 12 जुलाई सन 2019 है इसका कार्यकारी समय 165 मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोप परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को दोरा टुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों निनेशी की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपैंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेताओं के, के विषय में जीवा एनएस किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग, राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक कृषन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रिता श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंशी को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्वीट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सी द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सी एम के और उसके गायक हैं शिड श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिम्पसोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वसी की पूर्वैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज़ की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड पुदीपेडी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमकी टू तो, अधिमस आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग सतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म द्वारा संपादित है और तारीख बारह जुलाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चौख परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक कृषन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंसि को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्वीट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सी द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीम सी के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद बेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिंप सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज़ की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू अधो एमज आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरवी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख 12 जुलाई सन 2019 है इसका कार्यकारी समय 156 मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में प्यारे तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोख परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को दोरा टुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपैंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एनएस किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक कृषन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रिता श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म नई टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के, के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सी द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखान ऐश्वर्या और सीम सीम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीम सी के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की पूर्वैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज़ की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू तो, अदो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैन भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेंद्र द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है दौरी दौरी तो ने इस फिल्म के रिलीज होने दियाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा है लेकिन उसे से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोख परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा टुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपैंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एनएस किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपनजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रीथा श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के, के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सी द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखान ऐश्वर्या और सीम सीम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीम सी के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिम्पसोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की पूर्वैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सागनी पांडे एंड पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू तो, अधो एनिमस आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेंद्र द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन् 2019 है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि साहक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनवरन अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखान ऐश्वर्या और सीम, सीम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीम सी के और उसके गायक हैं शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की आ, पूर्वैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सालनी पांडे एंड पेडी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू अधो एनिमस आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखी तो निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैन भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक हैं सैंडी, यह फिल्म डॉन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेंद्र द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन् 2019 है इसका कार्यकारी समय 165 मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश तो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंकों द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन एस किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपनजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रिता श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई सरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपनजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गणतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून सन दो को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्या ने 16 सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या ओसीम सेम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सीएम के और इसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद ने इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिम्पसोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड क्रूप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें इस वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सालिनी पांडे mm -hmm. एंड पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू तो अधो एमज आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपेजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकांड द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डॉन सैंडी। यह फिल्म डोन्स सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेंद्र द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग, शतीश विस् विक्र विवेक प्रशन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सी एस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन दो है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश तो परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंकों द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपनजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन एस किशनन के रूप में झांसी के रूप में सालनी पांडे चिंपनजी के रूप में कोंग राधा रवि साहक आयुक्त मुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक कृषन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चले दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डॉन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कौ नाम के चिंपनजी को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपनजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गणतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आर जे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून सन दो को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने 16 सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपनजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस सी द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखान ऐश्वर्या और सेम एम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा आदिओ जिसके बोल हैं सेम सी के और इसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंतोनी धासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिंपसोंग जिसके बोल सेम सीएम और दर्शन पूर की पूर्वी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगनी पांडे एंड mm -hmm. पुदीपेडी हरिचरण गोयल लहाती मेरे साथी कुमकी टू एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपेजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डॉन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेंद्र द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख 12 जुलाई सन 2019 है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश तो परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और विंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंकों द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपैंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन एस किशनन के रूप में झांसी के रूप में सालनी पांडे चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त शुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रेमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रेमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रिता श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चले दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि नाम के को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपनजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गणतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून सन दो को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने 16 सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वीन की रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा 31 मई सन दो उन्नीस को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल है सेम सी के और इसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल है लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी धासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दर्शन पूर्वसी की पूर्ववैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमकी टू अदुगो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो को लिया गया भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैन भी प्रमुख भूमिका में है यह भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकांत द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डॉन सैंडी यह फिल्म डॉन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्रेय विवेक प्रिशन्ना ने इस फिल्म का छायाकार आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सिम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख 12 जुलाई सन 2019 है इसका कार्यकारी समय एक मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश सोपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और विंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपैंजी के साथ एक हास्य योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन एस किशनन के रूप में झांसी के रूप में सालनी पांडे चिंपनजी के रूप में कोंग राधा रवि साहक आयुक्त शुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रिता श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई सरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चले दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि नाम के चिंपनजी को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपनजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गणतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून सन दो को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने 16 सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वीन की रिहाई के, के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा 31 मई सन 2019 को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सेम एम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सीएम के और इसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल है लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी धासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह है एंथोनी दर्शन पूर्वी की पूर्ववैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू तो, अधो एमस आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है यू भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकांत द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेंद्र द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग सतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आर बी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और विंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंकों द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिमपजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन एस किशनन के रूप में झांसी के रूप में सालनी पांडे चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि साहक आयुक्त शुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाई के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार साधिक के रूप में साधना भारती मंत्री रेमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रेमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रीथा श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरद नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चले दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले उद्धम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोली होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कौ नाम के चिंपेंजी को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपेंजी, गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गणतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर इक्कीस जून सन दो को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने 16 सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपनजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सी द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखान ऐश्वर्या ओ सेम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सी के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिम्पसोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड mm उदीपेटी -hmm. हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमकी टू एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डोन सेंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन्द द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विस् विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम ने इस फिल्म के रिलीज होने की जुलाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश तो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंकों द्वारा करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन एस किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा साहक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपेंजी, गोरिंजा जैसे जानवरों के के प्रशिक्षण लिए एक विश्व गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून सन दो को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म की रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सीएम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीम सीएम के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड उदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमकी टू अध आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन्द द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन् 2019 है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोखने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा टुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एनएस किशनन के रूप में झांसी के रूप में सालनी पांडे, चिंपनजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रेमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोव नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म की रिहाई के, के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सीएम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सीएम के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड उदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू अध आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कौंग सतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख बारह जुलाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश तो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त शुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रेमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रीथा श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंसि को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्या ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्विट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सी एस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सीएम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सी एम के और उसके गायक हैं शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिंपसुंग जिसके बोल सेम सी एम और यह एंथोनी दासन पूर्वसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे mm -hmm. एंड उदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमकी टू तो, अधो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखित तो निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रुबिन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम ने इस फिल्म के रिलीज होने जुलाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश तो परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को दोरा टुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एनएस किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नाईक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोली होने का विचार मिलाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोव नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनवरन अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्वीट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सीम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सी एम के और उसके गायक है शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद ने इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है सोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की आ, पूर्वैसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड पेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू अधो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखित तो निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिमपैन भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन्द द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख 12 जुलाई सन 2019 है इसका कार्यकारी समय 165 मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोख परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने नशे की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि साहक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक प्रसन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्री श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, -था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार भी लाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोम नाम के चैंपियंस को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतव्य है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो अठारह को अपने ट्वीट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं की रिहाई के, के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखन ऐश्वर्या और सेम द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सेम सी एम के और उसके गायक हैं शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद रेम इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिम्पसोंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वैसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड उदिपेडी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमके टू अधोगो एनिमल्स आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सिंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग शतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम ने इस फिल्म के रिलीज होने जुलाई सन दो हजार उन्नीस है इसका कार्यकारी समय एक सौ छप्पन मिनट यह भारत देश की तमिल भाषा में तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोप परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास पैसा है तो वह हीरो बन सकते हैं उनके जीवन में एक किसान अधिक साधिक चलता है जो बैंक को द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए कगार पर है चारों ने की हालत में एक बैंक को लूटने की योजना बनाई और परिस्थिति उन्हें एक चिंपेंजी के साथ एक हास्यपद योजना के साथ पालन करने के लिए मजबूर करती है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में जीवा एन किशनन के रूप में झांसी के रूप में शालिनी पांडे, चिंपेंजी के रूप में कोंग राधा रवि सहाक आयुक्त सुनमुगन के रूप में सतीश के रूप में सतीश पिक पॉकेट के रूप में योगी बाबू राजेंद्र नायक के रूप में विवेक कृषन्ना विंकेट के रूप में मदन कुमार सादिक के रूप में साधना भारती मंत्री रिमैया के रूप में स्वामीनाथन बैंक ग्राहक के रूप में विंकटेक शुभा मुख्यमंत्री के रूप में सिनेमा वाला सतीश पुलिस निरीक्षक के रूप में रमैया के पुत्र के रूप में विष्णु झांसी के दोस्त के रूप में अश्रिता श्रीदास बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में राहुल था, था के पी वाई शरत नाई के बेटे के रूप में बालक राजन आयुक्त के रूप में चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में फिल्म का निर्माण फरवरी सन दो में निर्देशक डोन सैंडी द्वारा शुरू किया गया था जो सन दो में अपने पहले निर्देशन वाले ऊदम महाबलीपुरम के साथ कॉलीवुड उद्योग में प्रमुखता से उभरे इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरिल्ला होने का विचार मिलाया जो पहली बार एक ऐसा उदाहरण था भारतीय फिल्म इतिहास यह भी पता चला कि कोव नाम के चैंपियंसि को थाईलैंड के सेमुत परीक्षण स्टेशन से किराए पर लाया गया था जो मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों के लिए चिंपैंजी गोरिंजा जैसे जानवरों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतत्व है प्रोडक्शन टीम ने भी शुरू में फिल्म के लिए आरजे बालाजी को लिया था लेकिन बाद में सतीश ने उनकी जगह ले ली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 21 जून 2018 को जारी किया गया था फिल्म ने टीचर का अनावरण अभिनेता सूर्य ने सोलह सितंबर सन दो को अपने ट्वीट अकाउंट के माध्यम से किया था चिंपेंजी से संबंधित अधिकांश दृश्यों की शूटिंग थाईलैंड में की गई थी और बाकी हिस्सों की शूटिंग चेन्नई में की गई थी चलिए दोस्तों बात करते हैं के रिहाई के विषय में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक सोनी म्यूजिक साउथ द्वारा इकतीस मई सन दो को जारी किया गया था इस फिल्म का गीत सेम सीएस द्वारा किया गया था और गीत युग भारती लेखान ऐश्वर्या और सीम सी द्वारा लिखे गए थे सोनी म्यूजिक इंडिया के पास संगीत का अधिकार है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के शीर्षक बोल गायक और लंबाई के विषय में इस फिल्म का पहला शीर्षक है यारा दियो जिसके बोल हैं सीम सी के और उसके गायक हैं शिट श्रीवान इस फिल्म का दूसरा गीत है तो मिट्टा जिसके बोल हैं लोगान के और इसको गाया है गुना मुकेश मोहम्मद ने इस फिल्म का तीसरा गीत है गोरिल्ला थीम जिसके बोल हैं सुभारती ऐश्वर्या और ऐश्वर्या एंथोनी दासन द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है चिंपसुंग जिसके बोल सेम सीएम और यह एंथोनी दासन पूर्वसी की पूर्वसी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं के के गोरिला गोरिला इस फिल्म के संदर्भ के विषय में गोरिल्ला सन दो में गोरिल्ला मूवी गोरिल्ला तमिल मूवी कॉस्ट एंड ग्रुप रिलीज की तारीख समीक्षा तस्वीरें वीडियो जीवा विनीत गोरिल्ला टीचर सांगली पांडे एंड mm -hmm. पुदीपेटी हरिचरण गोरिल्ला हाथी मेरे साथी कुमकी टू तो, अधो एमज आगामी तेलुगु शामिल फिल्मों के सितारे हैं पाँच अक्टूबर सन दो हज़ार अठारह को लिया गया एक भारतीय तमिल भाषा की डकैती फिल्म है जिसे डॉन सेंडी द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया है फिल्म में जीवा सालिनी पांडे और कोंग है जबकि योगी बाबू राधा रवि सतीश राजेंद्र विवेक प्रसन्ना मदन और रामदास प्रमुख साहक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं फिल्म में एक असली चिंपैनजी भी प्रमुख भूमिका में है युग भारती द्वारा लिखे गए गीतों के साथ सेम सीएम द्वारा संगीत तैयार किया गया था जबकि छायाकान द्वारा नियंत्रित किया गया था अरबी गुरुदेव वो संपादन एंथनी एल रूबिन ने किया था चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है डोन सैंडी यह फिल्म डोन सैंडी द्वारा लिखित और विजय राघवेन द्वारा निर्मित है इस फिल्म में अभिनय किया है जीवा सालिनी पांडे कोंग सतीश विक्र विवेक प्रसन्ना ने इस फिल्म का छायाकान आरबी गुरुदेव ने किया है यह फिल्म रूबीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है सेम सीएस ने इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख 12 जुलाई सन 2019 है इसका कार्यकारी समय 165 मिनट ये भारत देश की तमिल भाषा में दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार और सारांश के विषय में फिल्म ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी अपनी समस्याएं हैं जीवा एक छोटा अपराधी है लेकिन उसे झांसी से प्यार हो गया जिस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है सतीश चोप परिवार के एकमात्र कमाने वाला है उसके काम को गुलाबी पर्ची दी गई है और वेंकेट एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जो उम्मीद करते हैं कि अगर उसके पास